आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां एक दिन पूर्व ही जनपद की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही थी, तो वहीं दूसरे दिन ही बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मार दी, जिसके बाद परिजनों ने घायल व्यवसायी को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में IG सहित पुलिस प्रशासन के कई आला अधिकारी पहुंचे, साथ ही मामले की जांच पड़ताल की बात कही, तो मृतक व्यवसायी के मित्र के अनुसार घटना को कुछ लोगों द्वारा रंगदारी टैक्स मांगने को लेकर अंजाम दिया गया, तो अब पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। चौक थाना क्षेत्र में ये मोहन निगम जी हैं, इनकी गोली मार के हत्या हुई है। अभी प्रिलिमिनरी पूछताछ की जा रही है, मोटिव कुछ निकल करके आए हैं जो पुरानी रंजिश से संबंधित हैं, उन पर और गहराई से पड़ताल की जा रही है। अभी थोड़ी देर में कहानी स्पष्ट हो जाएगी। क्या नहीं, लूट का कोई घटना नहीं है, लूट का कोई प्रयास नहीं है। जो बातें अभी तक निकल के आई हैं वो पूर्व के कुछ दृष्टांतों से जुड़ी हुई हैं, कुछ रंजिश की बात है और एक और इंस्टेंस है, उसी को गहराई से दिखवा रहे हैं। वाराणसी में काशी के संत चौपाल लगाकर खुशी मनाते नजर आए। बता दें कि उनकी खुशी का कारण CBI कोर्ट द्वारा बलात्कारी बाबा राम रहीम को 20 साल की उम्र कैद की सजा की खबर थी, तो इसी के चलते 80 स्थित सुमेरु पीठ में शंकराचार्य के सानिध्य में संतों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। तो वहीं संतों ने कोर्ट द्वारा सजा दिए जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए ढोंगी बाबा को फांसी या उम्र कैद की सजा देने की बात कही। ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है, गुरु राम रहीम जो बने हुए हैं, बाबा नाम से संबोधित किया जा रहा है उनको, ये गलत हो रहा है। इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए राम रहीम के लिए। धन के मद में मदांध व्यक्ति की यही दुर्दशा हुआ करती है, और ये दुर्दशा हम लोग खुशी में उनकी सजा हुई है उस उपलक्ष्य में मिठाइयाँ खा रहे हैं, बांट रहे हैं महात्माओं को। अभी कम हुई है सजा उनको, तो ऐसा कठोर अब अपने मुंह से कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को ऐसी सजा दिया जाए कि ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी याद करे। गुरमीत राम रहीम के मामले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम की अनोखी प्रतिक्रिया आई, जिसमें उन्होंने गाजियाबाद में दुख जाहिर करते हुए कहा कि बाबा होना गुनाह है, तो साथ ही उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के हंगामे और उपद्रव वाले मामले में पक्ष में अपनी बात कहते हुए सरकार पर निशाना साधा। ऐसा लग गया है जैसे इस देश में बाबा होना अपराध हो गया, कि अगर बाबा छींक भी देना तो टेलीविज़न चैनल ब्रेकिंग चला देते हैं। मैं बिल्कुल साफ तौर से ये कह रहा हूँ कि अगर उनका दोष है तो उन्हें सज़ा मिली है, वो हाईकोर्ट जाएंगे। यदि वो निर्दोष होंगे तो हाईकोर्ट छोड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। लेकिन जो परिदृश्य देखने को मिल रहा है, जो हालात हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि जीना बड़ा दुश्वार हो गया है। किस पे यकीन करें, किस पे ना करें, जब लाखों लोगों की आस्था किसी एक व्यक्ति में आती है, किसी एक संत में आती है, किसी गद्दी में आती है, आश्रम के प्रति होती है, तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन सवाल है कि इतनी बड़ी गद्दी, इतना बड़ा नाम, और आज ख़त्म हो रहा है, आज बदनामी के उस काले, बदनामी के उस बुरे दौर से गुजर रहा है, तो ये धर्म के लिए भी कहीं ना कहीं जा करके बहुत ज़्यादा नुकसान। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह आगरा में आयोजित संकल्प से सिद्धि नए भारत का संकल्प कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने पटना में हुए मार्ग गठबंधन को थके हारों की पंचायत बताया, साथ ही कहा कि इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसके बाद उन्होंने PM द्वारा किसानों की आय 2019 तक दोगुनी करने वाली बात पर अपनी बात कही। अरे वो रैली में मित्र कौन लोग थे, स्टेज पर देखे होंगे, वे लोग थे थके हारे सत्ता पाने की ललक में इकट्ठे हुए थे, जिनको अकेले नरेंद्र मोदी से लड़ने की ताकत नहीं थी, वे थके मांझे लोग थे और कुछ नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि जो थके मांझे लोग थे वे लोग थे, किससे लड़ने के लिए, भाजपा भगाओ, ये भाजपा भगाओ, इसका मतलब ये लोग एक में ताकत नहीं था इसीलिए इकट्ठे अपने को कर रहे हैं।
आगरा के एतमदौला में एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गोली मार दी। बता दें कि बड़े भाई ने जब छोटे भाई को खर्च करने के लिए रुपए देने से इनकार कर दिया तो छोटे भाई ने नाराज होते हुए अपने बड़े भाई को गोली मार दी, जिसके बाद घायल बड़े भाई को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया तो पुलिस ने छोटे भाई को हिरासत में ले लिया। वहीं अब पुलिस आगे की कार्यवाही में लगी है। बलरामपुर में उतरौला के गांव अलीपुर में मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी ने बाढ़ पीड़ितों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया, साथ ही चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं को भी सुना तो संबंधित अधिकारियों को बाढ़ से कटे मकानों का मुआवजा समय से देने के निर्देश भी दिए गए। बुलंदशहर में तैनात एक दरोगा ने खुद को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली। तो दरोगा शहर में चौकी नरसल घाट पर इंचार्ज थे। वहीं एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक दरोगा एक कर्मठ पुलिसकर्मी थे जो पिछले काफी समय से पारिवारिक कलह के चलते परेशान था, जिस कारण दरोगा ने अपने आवास पर खुद सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली। तो सूचना पर एसपी समेत पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुंचे। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में एक चोर को मोबाइल चोरी करना भारी पड़ गया। बता दें कि एक चोर मरीजों का मोबाइल चोरी कर भाग रहा था, जिसे तीमारदारों ने पकड़ लिया, जिसके बाद पब्लिक ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। साथ ही इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई। तो पुलिस के मौके पर नहीं पहुंचने पर राहगीर जेब कतरे को खुद ही पुलिस चौकी तक मारते पीटते हुए ले गए। सीतापुर में एक खाद्यान्न का गोदाम नियमों के विपरीत बनाया गया है, जिसके बाद गोदाम को निश्चित स्थान से 25 किलोमीटर दूर बनाए जाने की सूचना पाकर जिला प्रशासन ने छापेमारी की कार्यवाही की। तो इस दौरान गोदाम में खाद्यान्न में काफी मात्रा में मिट्टी पाई गई। तो वहीं छापेमारी कर रही टीम के द्वारा गोदाम में मौजूद सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच पड़ताल भी की गई। गोदाम पर पहुंचकर कार्यवाही के बाद जिला पूर्ति विभाग की टीम वहीं नाश्ता करते भी दिखाई दिए। देश के हर खिलाड़ी का सपना अपने देश के लिए मेडल लाने का होता है, जिसके लिए सरकार भी खिलाड़ियों के सहयोग के लाखों दावे करती है। वहीं मुजफ्फरनगर के होनहार नेशनल खिलाड़ी को दबंगों और भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था ने खिलाड़ी से अपराधी बनाकर फर्जी मारपीट मामले में जेल भेज दिया, जिसके बाद कई दिन जेल में रहने के बाद अब यह खिलाड़ी न्याय के लिए हर अधिकारी की चौखट पर माथा टेक रहा है। तो खिलाड़ी ने तंग आकर अपने पूरे परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की मांग की है। मुजफ्फरनगर के गांव भटोला में छेड़छाड़ की छोटी सी बात को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और कई राउंड फायरिंग हुई। तो इस घटना में एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। तो इस दौरान गुस्साई भीड़ ने उग्र होते हुए आगजनी की। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही मामले को शांत कराने का प्रयास करते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत पुलिस को कुछ दिन पहले शराब की दुकान पर हुए गोलीकांड के केस में बड़ी सफलता मिली, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मुठभेड़ के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अब इस गैंग के 3 अभियुक्तों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। मऊ में बरहतपुर गांव की नाबालिग लड़की को शौच पर जाते हुए गांव के ही कुछ लड़कों ने 4 दिन तक अपने हवस का शिकार बनाया तो घटना के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। वहीं 4 दिन से गायब लड़की परिजनों को गन्ने के खेत में बुरी हालत में करहाते हुए मिली, जिसके बाद चारों युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लड़की को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। तो घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज।